नमस्कार, ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। काफी समय से आप लोग हमें ट्रैक्टर की तुलना करने के लिए लिख रहे थे, तो हम आपकी डिमांड पर लाए हैं जॉन डियर 5055E और न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस ट्रैक्टर की तुलना लेकर। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे दोनों ट्रैक्टर में क्या क्या समानता है और किस फीचर में कौन सा ट्रैक्टर दूसरे पर भारी पड़ता है। हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आम फीचर की बात करें तो जॉन डियर का 5055E और न्यू हॉलैंड का 3630 TX प्लस, ये दोनों ही ट्रैक्टर आते हैं 55 HP और 3 सिलेंडर के साथ। अगर एक जैसे फीचर की बात करें तो ये दोनों ही ट्रैक्टर में आराम के लिए पावर स्टीयरिंग, कम रखरखाव खर्चे वाले तेल में डूबे ब्रेक, इंजन को पानी से बचाने के लिए वाटर सेपरेटर, इसके साथ ही दोनों ही ट्रैक्टर में ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है। इतना ही नहीं, धूप के साथ ही ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कैनोपी के ऑप्शन दोनों ट्रैक्टर में दिया गया है। एक जैसे फीचर की बात करने के बाद अब बात करते हैं ऐसे फीचर की जो दोनों में अलग अलग है। शुरुआत करें इसकी क्लच से, तो जहां 5055 आता है डुअल क्लच के साथ, तो वही 3630 में है डबल क्लच। ट्रांसमिशन के मामले में 5055 में समय के अनुसार कॉलर शिफ्ट और सिंक्रोमेश दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3630 में कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन ही दिया गया है। स्पीड की बात करें तो जहां 5055E में 9 अगली और 3 पिछली स्पीड दी गई है, तो 3630 TX प्लस में 8 अगली और 2 पिछली स्पीड के साथ ही 12 अगली और 3 पिछली स्पीड का ऑप्शन भी आता है। जॉन डियर 5055E में जहां 540, 540E और रिवर्स PTO दिया गया है, तो न्यू हॉलैंड 3630 में 540 और GS PTO दिया गया है। वजन उठाने की क्षमता की बात करें तो जॉन डियर 5055E की 1800 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता पर न्यू हॉलैंड की 2000 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता भारी पड़ती है। वैसे इस ट्रैक्टर में 1500 किलोग्राम का भी ऑप्शन आता है। अब बात करते हैं इसके टायर की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में पीछे के टायर 16/9/28 के दिए गए हैं और अगले टायर 5055 में 6/5/20 के, तो न्यू हॉलैंड में बड़े टायर 7/50/16 के दिए गए हैं। डीजल टैंक की बात करें तो इन दोनों ही ट्रैक्टर में फाइबर टैंक आता है। जहां जॉन डियर में डीजल टैंक पीछे दिया गया है जो पिछले टायर में वजन या वाटर ब्लास्टिंग की जरूरत को कम करता है, वहीं न्यू हॉलैंड में डीजल टैंक आगे दिया गया है। जॉन डियर 5055 में 68 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है और न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस में 60 लीटर डीजल आता है। व्हील बेस की बात करें तो न्यू हॉलैंड 3630 में 2045 mm का, वहीं 5055E में 2050 mm का व्हील बेस दिया गया है। टर्निंग रेडियंस की बात करें तो न्यू हॉलैंड 3630 में 3190 mm का, वहीं 5055E में 3150 mm का टर्निंग रेडियंस दिया गया है। मतलब 5055 को घुमाने के लिए कम जगह की जरूरत होती है 3630 की अपेक्षा। दोनों ट्रैक्टर के वजन में कुछ खास अंतर नहीं है। जहां 5055E का वजन है 2120 किलोग्राम, तो 3630 TX प्लस का वजन है 2060 किलोग्राम। दोनों ट्रैक्टर की वारंटी की तुलना करें तो जॉन डियर देता है 5 साल की वारंटी, वहीं न्यू हॉलैंड देता है केवल 3 साल की वारंटी। दोनों ट्रैक्टर अलग अलग फीचर में एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते दिखते हैं। जहां कुछ में जॉन डियर 5055E बेहतर करता दिखता है, वहीं कुछ में न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस आगे निकलता दिखता है। आपको क्या लगता है, जॉन डियर 5055E और न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस में कौन है बेहतर, और आगे आप किन ट्रैक्टर की तुलना देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपकी पसंद के ट्रैक्टर के एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।